Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. उल्लासनगर में बन रहे कब्रिस्तान का हिंदू संगठनों द्वारा विरोध, आज निकाला जाएगा कब्रिस्तान विरोधी मोर्चा। मुस्लिम समाज ने भी रखा अपना पक्ष। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उल्लासनगर में बसा हुआ मुस्लिम समाज कई वर्षों से कब्रिस्तान के लिए उपेक्षित था। कब्रिस्तान की कमी की वजह से उल्लासनगर के मुस्लिम समाज को काफ़ी परेशानियां और दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। कई वर्षों से मुस्लिम समाज द्वारा, मुस्लिम समाज के नेताओं द्वारा, संगठनों द्वारा, धार्मिक संगठनों द्वारा कब्रिस्तान देने की मांग की जा रही थी। अब उल्लासनगर और अंबरनाथ के बीच एक जगह जो सरकारी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, और ये ज़मीन जिलाधिकारी के पास थी और जिलाधिकारी ने इसको मनपा को हस्तांतरित कर दिया है और उसे जो है डेवलपमेंट प्लान के अनुसार कब्रिस्तान के लिए ही आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पर कब्रिस्तान का काम शुरू हो चुका है, मगर अब इसका विरोध हिंदूवादी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से विरोध किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहना है इन हिंदूवादी संगठनों के लोगों का, उनका कहना है कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, वाल्धुनी नदी है, फिर गणेश घाट है, महाशिवरात्रि का भी कार्यक्रम होता है, तो इस वजह से मुस्लिम कब्रिस्तान यहाँ नहीं होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि यहाँ पर पहले से हिंदू समाज के लिए स्मशान भूमि है, क्रिश्चियन समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए दफन भूमि है, बरियल ग्राउंड है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर जो है परेशानी होगी या कुछ चीज़ें गलत होगी तो वो मुस्लिम कब्रिस्तान से, ऐसा ही शायद इससे प्रतीत हो रहा है। बहरहाल ये हिंदू संगठनों द्वारा क्या बातें की गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इन्होंने 29 नवंबर मंगलवार के दिन शहर में एक बहुत बड़ा मोर्चा भी रखा है इस कब्रिस्तान के निर्माण के विरोध में। कब्रिस्तान या जो बनाया जा रहा है उसका काम रोका जाए, उस मांग को लेकर के तहसीलदार और उल्लासनगर मनपा आयुक्त के खिलाफ ये मोर्चा निकाला जा रहा है इनकी तरफ से। उसका एक वीडियो भी जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है, जिसका वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि उल्लासनगर कब्रिस्तान कमेटी है, उल्लासनगर कब्रिस्तान कमेटी में कई मुस्लिम है लेकिन एक हिंदू व्यक्ति अनिल सिन्हा, ये भी महासचिव पद पर इस कमेटी में पदाधिकारी है। तो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में कब्रिस्तान को लेकर के मुस्लिम समाज की क्या भूमिका रखी है, ये भूमिका रखने का काम जो है वो किया है अनिल सिन्हा ने। क्या कह रहे हैं अनिल सिन्हा, देखिए। जय श्री राम, जय शिवराय। विषय ऐसा है कि प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ या जवळच उल्लासनगर 5 कैलाशकोन येथे दफनभूमी म्हणत आहे। आमचा ग्रामस्थांचा कोणत्याही प्रकारे दफनभूमीला विरोध नाही, विरोध आहे संबंधित जागेला। आम्ही उल्लासनगर महानगरपालिकेची वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद उल्लासनगर महापालिकेने दिलेला नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही उल्लासनगर महापालिकेत मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे आणि बाजूलाच आमच्या शिवमंदिराच्या बाजूलाच प्रसिद्ध वाल्धुनी नदी आहे आणि गणेश घाट आहे आणि येणारा महाशिवरात्रीचा महोत्सव खूप मोठ्या प्रमाणात भरवला जातो आणि आम्हाला असं वाटतं की काही समाजकंटकांनी इथे जाणूनबुजून इथे दफनभूमीचा प्रस्ताव आणलेला आहे आणि दोन्ही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। मुझे यही कहना है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारा समाज पहले इंसान है फिर समाज है। हम लोग भारत के नागरिक हैं। आज संविधान दिवस है, आज हक के दिन बाबा साहब ने संविधान बनाया था। हम आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग पत्रकार लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। हमारी बात, मुस्लिम समाज की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों में जो भी गैर समझ है वो दूर होना चाहिए। लोगों के अंदर जो बातें फैलाई जा रही है वो चीज़ में सच्चाई सामने आना चाहिए, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या गलत बातें जा रही है लोगों में? सर, लोगों में बहुत सारी बातें जा रही हैं कि जैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि कब्रिस्तान शिव मंदिर के सामने बन रहा है, किसी धार्मिक स्थल के बगल में बन रहा है, किसी नदी के बगल में बन रहा है, ऐसी जो बातें चल रही है, हमारा एक ही कहना है कि ये चीज़ डेवलपमेंट प्लान में शासन ने मंजूर किया हुआ ज़मीन है और वो दफन भूमि के लिए है 1974 से, और 1987 में उसको कलेक्टर ने महानगर पालिका को हैंड ओवर किया है और उसके बाद वहाँ पर हिंदू मशान भूमि भी है,
ईसाई दफन भूमि 20 साल से है, आज मुस्लिम दफन भूमि की जगह जो थोड़ी बहुत बची थी वो शासन दे रहा है। वो जमीन का मालिकाना हक महानगर पालिका के पास रहेगा, महानगर पालिका उस पर सिर्फ दफन क्रिया की मंजूरी देगी। सर देखिए, मुख्यमंत्री हो खासदार हो, उनको समाज देखना है, उनको हर व्यक्ति को नजर रखना है, वो किसी पे अन्याय नहीं करेंगे। उनका काम उन्होंने किया, हमने हमारा निवेदन खासदार साहब को दिया, हमने हमारा निवेदन मुख्यमंत्री साहब को दिया, हमने हमारा निवेदन हर राजनीतिक पार्टी के लोगों को दिया। हमारा उनसे एक ही विनती है कि भाई आपने इतने सालों तक हमको नहीं दिया, अब अगर दे रही है शासन तो इसमें अड़चन पैदा नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट निकला है सब दफनभूमि तैयार करने का और सब पूरा हो गया, अभी ये दफनभूमि का काम कितना हुआ है और कभी विरोध लोगों का विरोध क्यों हो रहा है? सर ये दफनभूमि का टेंडर निकला है, ई टेंडर, पब्लिक टेंडर निकला था, उसमें साफ साफ लिखा था मुस्लिम दफन भूमि के कंपाउंड वॉल का टेंडर है। वो लोगों ने भरा, जिसका लोएस्ट था उसको मिला, उसने ईएमडी भरा, डिपॉजिट भरा, नियम से काम किया, वर्क ऑर्डर लेके वो काम कर रहा है, 95% काम पूरा कर चुका है वो, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। आज इस तरह से विरोध करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस विरोध से मुझे, मेरे समाज को, हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को, हर समाज को तकलीफ ही मिलने वाली है, उससे हमको समाधान नहीं मिलने वाला है। सर मैं शहरवासियों से कहूँगा कि देश हमारा, राज्य हमारा, शहर हमारा, इसकी यहाँ की एक एक वस्तु हमारी, ये सरकारी संपत्ति है, किसी का दिल दुखाना हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल सिन्हा है, उल्लासनगर कब्रिस्तान कमेटी उल्लासनगर 4-5 का मैं महासचिव का पद मुझे दिया है इन्होंने। ये हमारी गंगा जमुना सरस्वती तहजीब है हिंदुस्तान की, ये एक मुस्लिम कमेटी के अंदर एक हिंदू व्यक्ति महासचिव है, ये बाबा साहब की देन है, उनके संविधान की देन है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, इनके साथ बैठे हैं इन्होंने।